बहुत मस्त, तो अभी कुछ कर रहे हैं हमें। Whoa, shit, what the heck? Rorik is still alive. Woo! Ye shit, what the heck? वेलकम टू माय चैनल वी आर एस डाइवर्जन। सो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एपिसोड 18th, प्रोबेबली ये लास्ट एपिसोड हो कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट का, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट है, क्योंकि इसके बाद शायद मिशन ना हो कि कॉल ऑफ ड्यूटी को भरोसा नहीं, वो बड़ा भी हो सकता है। सो लेट्स सी। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किल एंड द्वेशिया 15 मिनट्स अर्लियर, द गोस्ट किलर July 5th 3:39, और यहाँ पर awesome action sequence. Here we go. हेश मेरे साथ है, हमको ढूंढना है रॉरक, तो इसलिए मुझे लगा ये एंडिंग वाला मिशन है, क्योंकि हम इसमें रॉरक को ढूंढने जा रहे हैं, जो कि सबसे मेन विलन है। Let's finish freaking this. Here we go. We can do this. तो हम एक तरह से ट्रेन में है शायद ना, ये ट्रेन है क्या? हाँ मे बी, आई डोंट नो। हाँ ट्रेन में ही है। दिस इज अ ट्रेन, ट्रेन ट्रेवल हो रहा है वॉर के टाइम। Here we go. तो मुझे पक्का उम्मीद है, कभी मैजिकल ट्रेन है यार, ऐसी ट्रेन मैंने कभी देखी नहीं, उड़ती हुई ट्रेन, तो एक तरह से ये ट्रेन भी नहीं है। असल में होता तो मेरी फटके चार हो जाती, क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसा जंप वम नहीं किया हूँ, इसने किया जो कि सही है। मैं लोगन ही हूँ, लोगन वॉकर, जैसे कि मैं उम्मीद किया था कि ये लोग होंगे। तो यहाँ से एक तरह से फास्ट सीक्वेंस होने वाला है, क्योंकि चलती हुई ट्रेन में कभी एक्शन नहीं हुआ है, और गोस्ट या कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज सब एक्सपर्ट है चलते हुए सीक्वेंस करने में। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर में सीक्वेंस था एक लास्ट में, ये था कैप्टन प्राइस और सब गाड़ी में थे, गाड़ी में पूरा सीक्वेंस था, तो वैसा ही एकदम कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट में भी दिया गया। फास्ट ट्रेन चलती हुई, ट्रेन या कुछ भी है, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, चलती हुई, और हमें बस अटैक करना है। रिगाओ डन, फ्रीकिंग डन, रीलोड। कुछ है ये, और ये जमीन पर टच नहीं है, इतना पता है। रिगाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, क्लीन एंड क्लियर, जैसे कि हमने किया, पर यहाँ पर जरूर बच गया। रिगाओ, हेड, फ्रीकिंग हेड तो नहीं मिला, पर उसको बैक शॉट जरूर मिला है। वैसे मुझे आगे जाना नहीं चाहिए, बिना यहाँ पर थे लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट, वो तेरी रिकवर की जरूरत है मुझे। Here we go. I can do that. I freaking need recover. वो है शे क्या वो? हाँ वो तो आगे से लगे वो। What the heck? बहुत फास्ट है वो। Freaking fast. This hash is freaking fast. Done. Cover me. I'm trying to cover you, dude. तो यहाँ पर done है। हेश कितना आगे आगे पहुँच रहा है, पता नहीं कैसे। पकड़ो ग्रेनेड बेटा। Hey shit. Here we go. Freaking awesome. तो हेश को एक तरह से यहीं पर ही आना था, तो मैंने यहीं से एक्शन सीक्वेंस किया। जब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वे बनता जा रहा है ना, 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 बियर ग्रिल्स की तरह तो एकदम नहीं, क्योंकि बियर ग्रिल्स ने अपने शो में कभी दिखाया नहीं है, तो दिखाएगा भी क्यों, क्योंकि वो सर्वाइविंग शो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सर्वाइवल शो, और ये है जो वॉर शो है, वॉर शो, वॉर होता है यहाँ पर, मस्त मस्त वॉर। तो ये एंड था इसका। ओ तेरी, मुझे भी करना है। Here we go. हाँ, क्लोज था, मैं गिर भी सकता था, बट कोई नहीं, मुझे एक तरह से ट्रेन ही लग रहा है। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, here we go. Freaking do that. I freaking done it. I freaking did it. Here we go. वहाँ पर भी जंप है। Shit, तो यहाँ से एक तरह से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, मुझे बस भागना है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जो कि खासियत है। Shit, कवर भी लेना है, कवर लेके भी लड़ना है। Here we go. Recover. Shit. तो यहाँ पर ट्रेन में और भी बंदे आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन में बहुत सारे बंदे निकले हैं। Let's freaking. तो ये हेलीकॉप्टर तो गया बड़ा, ये हेलीकॉप्टर गया, और आगे कोई लैंड है, जैसे दो हेलीकॉप्टर आया था, जैसे कि ये भी गया। डन, हेलोस डाउन, हेलोस बोलते हैं लोग चॉपर। शिट, यू नीड टू स्टे ऑन द ट्रेन। कहाँ कहाँ से जवाब बदल के आ रहा है। ये डन, एक और ट्रेन हो गया खत्म, पर एक और बाकी, क्योंकि मैंने देखा था दो है, ये भी खत्म। ओह शिट, हियर वी गो। अगर मैं कंट्रोल को थोड़ा सा भी छोड़ देता तो इसको गिरना था, तो एक तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी ने कंट्रोलर पे बहुत ध्यान दिया है। यू हैव टू डू इट, कंट्रोल आपके पास है, आपको संभालना है इस प्लेयर को, हम नहीं संभालने वाले। जैसे कि ये लोग भूतिए लोग आ जाते हैं, इसी भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कितना कैओस है इस मिशन में, और सिर्फ दो ही हैं रॉरा को पकड़ने, से दो ही बंदे आए हैं, एक मैं। शिट, क्रिटिकल हो चुका है, फ्रीकिंग क्रिटिकल,
Oof, I think. Here we go. ये गया, ये गया. वैसे यहाँ पर कम गुंडे नहीं है यार, बहुत गुंडे हैं, बहुत. Freaking so many villains, so many villains. तो friendly fire नहीं कर सकता, जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था मेरे space वाले mission में. आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ था. Friendly fire किया मैंने और ये रात हो गई क्या? Oh no no. तो हम एक hill, एक low area में आ गया जहाँ थोड़ा सा darkness ज़्यादा, जैसे कि होता है ना bridges में, train वाले bridges में, तब तब होता है low. यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं. शिट, एक हेडशॉट नहीं पड़ा क्योंकि इतना हिल रहा है ना, सबसे बड़ी बात, बड़ी बात. इसके समय पकड़, तू ये पकड़, तू ये खा. अब तो उठ, अभी भी नहीं उठा है तो. यार डीड बंदा है यार, खतरनाक डीड है. व्हाट द हेक, सो मेनी अटैक्स. अरे बचाओ मुझे कोई, बचाओ. आई एम हिटिंग क्रिटिकल. हियर वी गो, दैट वाज वियर्ड. क्या है ये लोग, अटैक्स बहुत कर रहे हैं. रॉरक को मिलना है हमें, बस रॉरक चाहिए हमें. तुम लोग की जान हमें नहीं लेनी चाहिए, आई नो, बट एक रॉरक की वजह से इतनी जान जा रही है, बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमें रॉरक चाहिए. वी नीड रॉरक. रॉरक, रॉरक शायद मुझे लगता, हाँ हाँ, इसी ट्रेन में रॉरक. अगर आपको याद होगा कि वो एपिसोड 13 जिसमें हम लास्ट में बैठ चुके होते हैं, 13 या कुछ एपिसोड था जिसमें हम लास्ट में रहेश और मैं लोगों ने बैठ चुके थे ट्रेन में, तो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है. तो इतनी देर से जो मिशन था स्पेस वाला, वो एक तरह से वो बैक स्टोरी थी, मतलब एक दूसरी टीम की मिशन होती है ना, जैसे कि टैंक में थी, तो वही था. और हम उसी ट्रेन में और इसी ट्रेन में कवर करने जा रहे हैं, तो लेट्स सी, लेट्स फ्रिकिंग डू दिस. हैश आई थिंक रॉरक यहीं पर ही है. हैश कौन खोलेगा? हियर वी गो. तो ये ऑनर मुझे फिर दिया गया है ब्रीच करने का. Yes, we have to do this. हम हारे या मरे, क्या है? हो तेरी सभा के हा रहे थे. और कौन है यहाँ पे? ओ तेरी तोप लेके आया था ये. Here we go, freaking awesome. Oh, रॉरक का सामना हो चुका है. रॉरक भाई. Oh, here we go. तुम जब मार रहे हैं. Shit, ले ली इस दिगन मेरी. Let's freaking do this. अगर ये टाइम पे बोला तो टाइम. Here we go. टाइम पे बोला मैंने. Yeah. Even if we fail, Rourke dies. Okay, I can do that. 3, 2, 1. Boom! Here we go. Done. ये भी गया. और कौन है? ये भी गया. Freaking awesome. Engines hit हो गया. तो इस बार मैं गलती नहीं करने वाला क्योंकि पिछली बार रॉरक को मारने के बाद मुझे मारना चाहिए था. Shit! एक और बार ले लिया इसने. Oh my god, हेड फ्रेकिंग शॉट दिया इसने. पहले तो हेड शॉट दिया मेरे अपने सर से. Shit, इसने मुझे पकड़ लिया. Shit, what the heck? That's not good. Checkmate किस बात का था? It's over. समझा मैं. एक तरह से सब प्लान था कि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये लोग पकड़े जा सकते हैं, ऐसा सिचुएशन आ सकता है. तो उन्होंने बोला था कि अगर फिर भी हम ट्रेन में रहें तो ब्लास्ट कर देना, स्पेस से अटैक कर देना. तो जो कि कर दिया. और उसका कीवर्ड था चेक फ्रिकिंग मेट. एंड हियर वी गो, रॉरक, यू लॉस्ट ड्यूड, यू फ्रिकिंग लॉस्ट. रॉरक मर चुका है ना शायद? नो, रॉरक अभी तो मरा नहीं. फॉर द हैक कॉल ऑफ ड्यूटी लास्ट सीक्वेंस. तो ऐश इंटरोगेट करने वाला है. बूम, हियर वी गो, ग्रैब द गन, आई कैन डू दैट. शिट, वो तो देर है पूरा WWE के लिए. अरे गन पकड़ यार, कोई बटन दिखा नहीं रहा. X टू होल्ड. बाय बाय रॉरक. शिट, गोली नहीं है. एक और गोली चाहिए मुझे. ओ, बुलेट्स दिए उसने. जल्दी लग, जल्दी रीलोड हो. हियर वी गो, दिस सीक्वेंस ऑसम है. बूम, चेस्ट शॉट. बाय बाय रॉरक. मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको ना लगाओ क्योंकि इसकी बुलेट काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो कि आर पर कभी कभी चली जाती है, सीना तान के एकदम क्रॉस करके. Here we go, Rorik. Who's win now, huh? हम जीते, फ्रिकिंग हम जीते.
तेरा खेल यही पर ही खत्म होता है और आई थिंक मैं तो अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ। ओ मुझे लेके जाना है, व्हाट द हैक। तो मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे लेके जाना ही नहीं है इसको, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम से रुक गया था, मुझे लगा कि कुछ कटसीन होने वाला है, रारकम कुछ करने वाला है, पर बाद में पता चला कि नहीं दोस्त, गेम महेश इंजर्ड है जिसको हमें लेके जाना है दोस्त। लेके जा रहा है हेश को, माय बेस्ट बडी एवर, यू ड्राउंड, व्हाट द है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको टाइम पे लेके जाऊँ, क्योंकि उम्मीद करता हूँ टाइम पे लेके जा सकूँ। लेट्स सी आई एम फ्रिकिंग क्लोज। शिट, सारे धातु गिर चुके हैं हर जगह, धातु बोल सकता हूँ हिंदी में से, धातु ही धातु हर जगह। हियर वी गो, सांस ले पा रहे हम लोगन वॉकर, और ये पिक म्यूजिक, आई एम गेटिंग सम इमोशन डूड, वेरी ऑसम इमोशंस, एक बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। तो मुझे ड्रैग करना है इसे, हेश हाय दोस्त, एक और बार ड्रैग, होल्ड ड्रैग, हियर वी गो, होल्ड लिफ्ट, लिफ्ट करना है मुझे इसे। Yeah, we got him, dude. हमने एक साथ मिलके किया है, तू नहीं तो मैं भी नहीं होता कभी, मेरी कभी भी जिंदा है, जो कि मैक्स पेन हमेशा मैं होते, मुझे मैं उसे बोलता था। I'm getting some goosebumps right now. I don't know why. मुझे पता है सब बोल रहे क्यों से goosebumps क्यों आ रहे भाई, but I am getting dude. बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत मस्त। Recon's coming for you. Shit, here we go. Freaking awesome-ish. Thank you very much, dude. Thank you. So awesome. I'm really proud. मैं proud हूँ इस game को खेलते हुए, बहुत proud हूँ। Call of Duty Ghosts, developed by Infinity War, dude. You are freaking awesome. Call of Duty Ghosts. अब तक का कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एडवांस नहीं खेला है ना इन्फिनिटी खेला है, तो मैं मानता हूँ कि ये बेस्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का, बेस्ट गोस्ट सीरीज एवर। गोस्ट सीरीज तो नहीं, पर बेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी जरूर है। वैसे ब्लास्ट काफ़ी हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ब्लास्ट, जो कि स्पेस से हो ही जा रहे हैं, सुबह से नहीं वो लोग फेंके जा रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, गलत वर्ड्स बोल रहा हूँ, आई नो। एक्साइटेड तो नहीं, पर मुझे मज़ा आ रहा है एंडिंग देखते हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत मस्त। तो अभी कुछ कर रहे हैं हमें, whoa, shit, what the heck? Rorik is still alive. Whoa! Shit, what the heck? Oh my God. तो ये जिंदा है अभी, तो मैं सोचा मैं डर गया देखते हुए, वो मेरा बहुत गंदा रिएक्शन था, आई नो, मैं डर गया था, शेट वो अचानक आ गया था, क्योंकि ये रॉरक अभी भी जिंदा है, ऐसी मूवीज में होती है स्टार्टिंग। यू आर गुड, आई नो आई एम गुड डूड, जैसे कि मैंने बताया था कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट बेस्ट सीरीज एवर, और एक क्लाइमेक्स भी आ चुका है जिसमें देयर इन गोना बी एनी गोस्ट, व्हाट द हेक, तो मतलब तू ही जिंदा रहने वाला है, बस ये नहीं होने वाला। शेट ये क्या कर रहा है, व्हाट द हेक, हेश सेव मी डूड, सेव मी, इस ओह नो मुझे लेके जा रहा है वो। शेड ये मतलब मुझे एकदम समझ नहीं आया, ये क्या हुआ, मतलब समझ तो आया क्या हुआ कि उसने बोला कि देयर एंड बी एनी गोस्ट, कोई गोस्ट नहीं रहेगा, तो उसने मुझे किक मारी और लेके चला गया, तो एक तरह से वो बहुत क्वेश्चनेबल एंडिंग थी कि क्या होगा, जैसे कि इंसेप्शन में जब एंडिंग होती है ना कि वो घूम रहा था, क्या वो गिरा है क्या नहीं गिरा, क्या वो रियल वर्ल्ड में क्या नहीं है, तो वैसे इसमें हुआ, तो क्या वो जिंदा है क्या नहीं लोगन, या रॉरक ने उसे मारा है कि नहीं। मैम और मैं माफी चाहता हूँ एक चीज़ के लिए कि मैं इन क्रेडिट्स नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसमें एमिनेम का गाना था दोस्त, क्लेम आता तो मेरी फट के चार जाती, तो क्लेम आ सकता था कि एमिनेम के गाने हैं, बहुत क्लेम आ सकता है, तो इसलिए मैं इन क्रेडिट्स नहीं दिखा पाया। सो जो भी है, सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट की ऑसम सीरीज, प्लीज स्मैश द लाइक बटन,
And don't forget to subscribe, dude. Subscribe that button. वैसे बटन नहीं होता. Subscribe my channel by pushing that freaking button. 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 Thank you very much, guys.